हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सो अच्छे होंगे। आज की ब्लॉगिंग के स्टार्ट करते हैं न्यू ब्लॉग। टाइम बज रहे हैं अभी 10:30। मैंने ना ब्रेड और वही मैंने ब्राउन ब्रेड मक्खन चाय पी है। अब जाके मैं अपनी दवाई लूँगी। और आज है सैटरडे, आज सर धोते हैं और नहा धो के अपनी शॉप पे जाते हैं। ना खाना वगैरह बन गया। आज खाने में बनी है आई थिंक न्यूट्रेला और आलू की सब्जी। तो नहाना धोना खाना करते हैं और कल की सफाई करी। देखो बेडशीट मैंने बिछाया नहीं क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेडशीट बिछाऊँ और मेरे पैर में इतना दर्द था। अब आराम है। अब जाके ये तो मैं शाम को आके कर लूँगी, बाकी का बचा काम शाम में निपटा लूँगी। बस ये है कि थोड़ी बहुत सफाई होगी। और आज सैटरडे था, दीदी ने बोला था कि वो जाले नहीं निकालते, तो मैंने आज हाथ नहीं लगाया, तो कल करूँगी ये काम। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूँगी शॉप में जाके, या फिर अभी भी नहा धो के रेडी हो जाऊँ। अगर टाइम रहा तो मैं ब्लॉग अभी शूट करूँगी, नहीं तो फिर शॉप में जाके करूँगी। तो दोस्तों मैं अभी शॉप पे जूस पिया, पैदल चलते चलते आ गई शॉप पे। और ये रिंकी ज़रा माल फुल कर रही है। बारिश आ रही थी जब मैं रास्ते में आ रही थी, हल्की हल्की बारिश आ रही थी। हाँ अब तो नहीं आ रही, बंद हो गए। झूंदा वाली हो रही थी। और आज तो मुझे पता नहीं क्यों सीने में दर्द हो रहा है। जूस पी के आई मैं मिक्स फ्रूट का। ये देखो नायरा कट है, बहुत सुंदर। ये है ब्लू कलर में, लहरिया प्रिंट में। ऐसे पकड़िए रिंकी इसको। बस ये देखिए, और ये इसकी पैंट आएगी। ये पैंट आएगी, पैंट में नीचे बॉर्डर है। ये आएगा इसका दुपट्टा, फुल कॉटन, बहुत सुंदर पीस है, नायरा कट में। तो आज हम पैदल वॉक करके जा रहे हैं दोस्तों। देखो एक असाई वाड़े से ऊपर का रोड है। ये रिंकी जा रही है सब्जी लेके। मैंने रिंकी से मंगाए थे देसी खीरा, वो लिया ही चाइनीज खीरा। मैं तो यही लिखूंगी आज, रिंकी से मंगाया देसी खीरा, रिंकी लिया ही चाइनीज खीरा। और ये अपने राधेश्याम मंदिर के पास हम पहुंच गए। ये देखिए भगवान जी। और यहाँ पर भी इक्कीसवा विशाल माँ भगवती का जागरण है। इधर जय माता दी। और यहाँ पर ये बन रहा है रोड, आपको पता ही है रोड कैसा है। आज मेरा ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं हो पाया। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ घर पर, और घर पे आके कुछ काम कर लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। और पौधा इतना लंबा क्यों चला गया है? जाने दो। पूछ रही हूँ मैं, पानी पीती हूँ, नॉर्मली पीती हूँ मैं गर्मी में भी। आज मौसम बारिश कैसा लग रहा है ना, बाहर हो रही है वो तो मुझे पता है, मेरे सामने हुई थी जब मैं आ रही थी। तो लगता है बारिश होएगी रात को, अभी कुछ पता नहीं है। और कल रिंकी जा रही है शादी में है, मेरा अभी कंफर्म नहीं है। मेरा भी कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों अभी कल का क्या होता है, शादी में पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आ गई, मैंने अब चेंज वेंज कर लिया है, घर आ गई हूँ और नाइट ड्रेस पहन लिया है। अब सबसे पहले तो मैं जाती हूँ बेडशीट बिछाती हूँ, और उसके बाद से मैं और काम करूँगी। फिर कपड़ों को ना समेटना भी है, तो पहले बेडशीट बिछा लें, फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे। सबसे पहले काम बेडशीट। देखो आप, इन्होंने मेरे पति देवता भी नहीं बिछाई है, मुझे सारा काम करना पड़ता है। क्या बताऊँ मैं आपको, कल मेरे कपड़े धोते सारे, बहुत मुश्किल काम है।
और मैं हर तीसरे चौथे दिन अपनी जाके चेंज करती हूँ। कभी भी बाहर से आते हैं तो गंदे पैर मोस्टली काफी बार याद नहीं रहता, बिना पैर धोए चल जाते हैं। तो मैं हर चौथे दिन में ना बैठ चेंज करती रहती हूँ, और करना भी चाहिए, ये अच्छी हैबिट होती है, क्योंकि हमें सोना खुशी नहीं है और गंदे सपने भी नहीं आते हैं। तो फाइनली मेरी बेडशीट बिछ गई है, देखा देखा अच्छा लगता बिना बेडशीट के, देखो आप। और ये तो हमेशा मेरे साथ ही सोता है। बाहर वाले कमरे की भी है, उसको पहले इसको करके फिर उसको बिछाएंगे। तो दोस्तों फाइनली मैंने बेडशीट बिछा लिया है, अब आप देख सकते हो, ये देखिए फाइनली पूरी बेडशीट बिछ गई है। ये मेरा डाइट वाला फूड बनना है, ओनली कैप्सिकम अनियन, ये 2 चम्मच घी में जीरे के साथ मैंने हल्का हल्का इसे हाफ फ्राई करना है इस टाइप से। फिर इसमें हल्का सा पनीर डाल दूंगी, ये बनेगा मेरा डाइट वाला खाना। काम हो चुका है और मेरा डाइट वाला खाना भी बन चुका है, बस अब खा के फिर मैंने अपना सारा काम कर लिया है, खा के उसके बाद सोते हैं। टाइम कितना हो रहा है, 10:30 बज रहे टाइम, और अब मैं उसके बाद सोएंगे। आज मैंने अपनी ये वाली नाइट ड्रेस निकाल ली है, तो ये अच्छी है नाइट ड्रेस, कंफर्टेबल भी है और फैब्रिक भी इसका प्योर कॉटन है। मैंने सोचा निकाल लेती हूँ, कब तक रखे रहेंगे, तो मैंने आज निकाल लिया। मोस्टली मैं घर पे ज़्यादातर शॉर्ट्स वगैरह ही डालती हूँ, और ये मैं चुकंदर भी लेके मंगवाया था, ये तो मैं मॉर्निंग में खाऊंगी, अब नहीं, बस एक पहले ये खा लेते, उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं अपना ये खाऊंगी वाटरमेलन। और ये देखिए इसको बड़ा हो गया, ये क्यूट्यूसा देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने के बाद पता चलेगा कैसा है, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। अच्छा है, टेस्टी है और हेल्दी फूड है, खाना चाहिए ये हमेशा आपको। मुझे तो बहुत पसंद है शिमला मिर्च, अनियन खास तौर से तो मुझे अनियन पसंद है, अनियन का देखते हैं। खाना हो चुका है हमारा और टाइम हो रहा है 11, अब करते हैं सोने की तैयारी, सुबह उठना भी है। और ये नाइट सूट बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत प्योर कॉटन है तो बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। तो अब कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा तो नहीं है खैर, पर हाँ उसमें मैंने बहुत सी बात आज दुकान का सबका, बस थोड़ा सा लेट उठी थी, सो के रोज का लेट हो रहा है मेरा, कल से जल्दी उठेंगे। इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।